तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे चैनल पर जो है एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका है। तो गाइस, किस लिए आया हो, किस लिए इस वीडियो में, सो मैं आज आप लोगों को पूरी बात बताने वाला हूँ। तो मैंने जो मिस्टेक किया, आप लोग जो ये मिस्टेक नहीं करोगे तो आप लोगों को चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो मैंने किस बात का, मैं ये किस लिए मेरे चैनल पर ये कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, कॉपीराइट नहीं है, ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका है। तो आप लोगों को मैं आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ इसलिए, क्योंकि यूट्यूब क्या कर रहा है यूट्यूब को खुद ही नहीं पता है यूट्यूब किसके साथ क्या कर रहा है। तो भाई, मेरा चैनल अभी ग्रो हो रहा है, तो इस टाइम पे कि आप लोगों को बताइए तो यूट्यूब की किस लिए मेरे को जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे चुका है, तो एक दे चुका है, तो उसीलिए मैंने अपील किया हूँ। जो मेरे वीडियो सही सलामत है, मेरे वीडियो में कोई भी सेक्सुअल कंटेंट नहीं है, मेरे वीडियो में कोई भी मटेरियल मैं यूज़ नहीं किया हूँ, गलत मटेरियल यूज़ नहीं किया हूँ, इसीलिए मैं एक अपील किया हूँ। वो भी आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखा दूँगा। तो मैंने किस तरीके से वीडियो बनाया है, कल जो मैंने आप लोगों को साथ एक वीडियो बनाया है काइन मास्टर से, किस तरीके से सेक इफेक्ट वाला वीडियो आप एडिट कर सकते हैं, तो उसी वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। कॉपीराइट नहीं है ये कि आप लोगों को कुछ जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, मैं जो आप लोगों को साथ शेयर करने वाला हूँ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका है तो मेरे चैनल पर। तो वो किस लिए, तो मेरे यूट्यूब को बताया है कि यूट्यूब मेरे चैनल पर जो मैं कल जो वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो में सेक्सुअल कंटेंट है। भाई आप लोगों को बताइएगा, उस चैनल पर कोई भी सेक्सुअल कंटेंट नहीं है। तो मैं जस्ट आप लोगों को साथ इस एडिटिंग के लिए ही इस वीडियो को मैंने वहाँ पर अपलोड किया था। और यूट्यूब क्या बोल रहा है कि यूट्यूब को नहीं, खुद ही नहीं पता है यूट्यूब क्या कर रहा है हमारे साथ। तो यूट्यूब बोल रहा है कि आपको जो वीडियो है इसमें सेक्सुअल कंटेंट है, उसीलिए आप लोगों को मैं ये जो कॉपीराइट जो आप लोगों को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे चुका हूँ। तो मैंने यूट्यूब से बात किया हूँ किस लिए मेरे वीडियो में कोई भी यही सेक्सुअल कंटेंट नहीं है, मेरे वीडियो सही सलामत है, मेरे वीडियो में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे कोई भी ऐप का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोगों को मेरा जो वीडियो है कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन का खिलाफ नहीं है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दिया हूँ। तो मैं जो YouTube से बात किया हूँ, YouTube को मैंने मेल किया हूँ, तो YouTube के तरफ से एक मेल आया है, आप यहाँ से साइट पर देख ही सकते हैं। YouTube एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस मैंने किस तरीके से ईमेल किया हूँ। तो मेरे को जो मेल आया है, किस तरीके से मेल आया है आप एक बार खुद ही देख लो। तो मेरे चैनल पर तो एक कॉपीराइट फर्स्ट में आप लोगों को मेरे जो चैनल पर है वो आप लोगों को वार्निंग स्ट्राइक दे चुका है। तो वार्निंग स्ट्राइक दे चुका है, मैंने क्या किया उस वीडियो को, जो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, मैं कुछ नहीं, मैं क्या करूँ कुछ नहीं मेरे को समझ में आया, तो उसीलिए उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया हूँ। तो डिलीट कर देने के बाद कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ उस वीडियो में कोई भी नहीं है। तो मेरा जो नागपुरी वाला ग्रीन स्किन डीजे कैसे यूज बनाता है उस वीडियो में मैंने बनाया है, तो उस वीडियो में डिलीट करना पड़ा है क्योंकि मैंने कुछ भी मेरे को समझ नहीं आया, उसीलिए मैं वीडियो को डिलीट कर दिया हूँ। तो मेरे उस वीडियो में कोई भी सेक्सुअल कंटेंट नहीं था, उसीलिए आप इस वीडियो में कल जो मैंने वीडियो डाला है इस वीडियो में उस लोग जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे चुका है। तो उस वीडियो को मैं फिर से आप लोग को वहाँ पर जा कर के मैंने देखा है, तो इस वीडियो में ही आप लोगों को जो मेरा जो है यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक दे चुका है। तो मैंने वहाँ पर अपील किया हूँ, अपील का रिप्लाई अभी सुबह ही आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो मेरा जो वहाँ पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आज सुबह ही दिया था, जो किस तरीके से मैंने जो हटाया है तो वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो मैंने अपील किया था आज सुबह ही, मेरे सुबह का 6 बजे का तक उतने टाइम तक मैंने एक अपील किया था, कल रात ही मैं अपील कर दिया हूँ। देने के बाद आज ही सुबह मेरे को एक मेल आया है यूट्यूब की तरफ से कि आपको वीडियो सही सलामत है, मेरे से गलती हो गया है, तो उसीलिए आपको जो ये एक कॉपीराइट स्ट्राइक दे चुका हूँ उसको मैं रिमूव कर लिया हूँ।
तो मेरा जो एक कॉपीराइट एक कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक जो है उसको ये लोग हटा लिया है, लेकिन वार्निंग जो स्ट्राइक है उसको मेरे चैनल पर अभी तक हटा नहीं है। तो इसीलिए आपको साथ मैंने शेयर कर दिया हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ भाई। मेरे जो दूसरे चैनल है उस चैनल पर आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। इस चैनल पर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो मेरा जो दूसरी चैनल है आर्यन टेक्नो एक्स्ट्रा, उस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो उस चैनल पर आज के बाद तो उसी चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। पता नहीं इस चैनल पर आगे तक जा पाएगा या नहीं। तो इसीलिए मेरा जो आर्यन टेक्नो एक्स्ट्रा चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके इतने तक आया हूँ, और यूट्यूब आप लोगों को मेरे साथ क्या कर रहा है यूट्यूब का खुद नहीं पता है भाई। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को साथ शेयर कर दिया हूँ। आप लोग एक गलती मत करना कि आप लोगों के साथ भी इस तरीके से मेल आया है यूट्यूब के तरफ से, जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका है। तो आप लोगों को उस वीडियो को डिलीट मत करना भाई। मैंने जो गलती किया है इसको लिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया हूँ। तो जिस नया यूट्यूबर है उस भाई को मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से गलती आप लोग को मत करना। तो आप लोगों को वीडियो में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया हूँ, उसीलिए मैंने जो उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया हूँ। जिस तरीके से डिलीट कर दिया हूँ तो अभी तक वो जो मैंने वन स्ट्राइक मेरे को दे चुका है वो स्ट्राइक तो हट गया, लेकिन वार्निंग जो स्ट्राइक है वो मेरे चैनल से कभी नहीं हटेगा, क्योंकि मैं उस वीडियो को डिलीट कर दिया हूँ। वो मेरे ही गलती है, वो तो यूट्यूब का गलती नहीं है। उस वीडियो को मैंने प्रूव कर दिखाया तभी मेरे को जो वार्निंग स्ट्राइक है वो हट गया होता। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो साथ। अभी आएगा ना या नहीं इस चैनल पर वीडियो, तो मेरा आर्यन टेक्नो एक्स्ट्रा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए इतना ही।